नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका प्रकाश टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्माइल चौधरी और वक्त हो चला है आज की कुछ अहम खबरों का। भारत में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या ने फिर बढ़ाई चिंता। 24 घंटे में गई 1206 मरीजों की जान, 42,756 नए मामले आए सामने। सीएम ममता पीके के बीच 3 घंटे मंथन, राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री का ब्लू प्रिंट तैयार कर रही टीएमसी। सीएम ममता बनर्जी की पार्टी अब राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री करने को तैयार। चंडीगढ़ में नए कोरोना केसेस कम होकर हुए 8, शहर में केवल 101 एक्टिव केस। देर रात चंडीगढ़ के हल्लूमाजरा में 2 युवकों ने गाड़ी में पेट्रोल छिड़क लगाई आग। आग की लपटें देख गाड़ी के मालिक ने पुलिस को किया फोन, जांच जारी। अमृतसर में कोविशील्ड का स्टॉक खत्म, कोवैक्सीन की 5500 खेप पहुंची जो सिर्फ सरकारी अस्पतालों में होगी उपलब्ध। पंजाब में कोरोना पॉजिटिव दर 0.4% होने पर सरकार ने वीकेंड, नाइट कर्फ्यू और अन्य कई पाबंदियों को सोमवार 12 जुलाई से हटाने का लिया बड़ा फैसला। सोनीपत के पीएनबी में लूट का मामला आया सामने। बताया जा रहा है कि बैंक में चल रहा था काम, फिर अचानक बैंक में दाखिल हुए 2 शख्स और दहशत कायम कर लूट ले गए बैंक से पैसे। सरकार की बड़ी कार्रवाई, बिजली संकट के बीच हरियाणा भर में छापेमारी, करोड़ों की चोरी पकड़ी गई। हिमाचल में कमजोर मानसून से 25 लाख यूनिट गिरा बिजली उत्पादन, नदियों में पानी की कमी के चलते घटा बिजली उत्पादन। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया प्रावधान हुआ लागू, नई नीति के बाद 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर अधिक किया जाएगा ध्यान। दिल्ली एम्स ने डॉक्टरों की छुट्टी रद्द करने का नोटिस लिया वापस, पहले की तरह अब ऑफलाइन होगी परीक्षा, डॉक्टर ले सकेंगे अवकाश। दिल्ली में गफ्फार और नाईवाला मार्केट बंद, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ने पर लिया गया फैसला। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लौटेंगे ऐसी ही कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए अर्थ प्रकाश न्यूज के साथ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।